भाई मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। तू पर उसको का माफी कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कावा का माफी चूसते हैं, दिखता नहीं है क्या बोलता क्या बोलता नहीं। मुझे मालूम नहीं है आपको राजनीति को कितना नजदीक से देखने का अनुभव है, नारे तभी बनते हैं जब जनता इसको स्वीकार करती है। धार्मिक नफरत मत फैलाओ, हमेश चुप रहो, बिल्कुल क्यों चुप रहो, ये धर्म की नफरत फैलाना बंद करो, क्यों चुप रहो, ये दुकानें बंद करो। आज हम इस वीडियो में मीडिया डिबेट्स पर बात करेंगे, जिनमें नेताओं ने गोदी मीडिया के एंकर्स के तीखे सवालों का करारा जवाब दिया। आज तक पर जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट में एमआईएम के नेता कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर टिप्पणी कर रहे थे कि बीच में एंकर ने टोका और कांग्रेस की तारीफ करने पर तंज कसा। इस पर नेता ने एंकर को करारा जवाब दिया। जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है, मैं चेक कर रहा था, तो चेक हो गया। नहीं, तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। असीम बकार साहब, एक सेकंड, पहले ये जो अपना भोपो बजाना है ना, चलिए बीजेपी का प्रवक्ता और एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। मसला कश्मीर का है और कश्मीर को लेकर जितनी संवेदन, विपक्ष के नेता ही नहीं कभी कभी सरकार के नेता भी मीडिया को सुना देते हैं। आज तक पर अमित शाह का इंटरव्यू हुआ, इसमें एंकर ने बंगाल में चुनावों को लेकर भाजपा के एजेंडा को लेकर तीखे सवाल किए, जिस पर अमित शाह ने एंकर को खूब सुना दिया। पूरी प्रक्रिया में जब से आपने चुनाव का मोर्चा बंगाल में खोला है बीजेपी का और परिवर्तन यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं, एक के बाद एक आपकी पार्टी को दिक्कत सामने आ जाए, लोकतंत्र में ऐसा क्यों? आपका सवाल तो बहुत सही है, मगर एड्रेस नहीं, अनुमति देने का काम ममता बनर्जी जी ने करना है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम उनका है, मगर मैं इतना कहता हूं कि वो अनुमति दे न दे, उनके गुंडों को जो इंस्ट्रक्शन दे, भारतीय जनता पार्टी ना रुकेगी ना थमेगी, हम हमारे लक्ष्य को अचीव कर कर रहे। आप लोग ये नारा वाकई इसलिए लगाते हैं कि आपके दिल के करीब है या इसलिए लगाते हैं कि ममता बनर्जी चिढ़ती हैं आपके हिसाब से? देखिए मुझे मालूम नहीं है आपको राजनीति को कितना नजदीक से देखने का अनुभव होता है, नारे तभी बनते हैं जब जनता इसको स्वीकार करती है, चाहे वो वंदे मातरम का हो, चाहे इंकलाब जिंदाबाद का हो, चाहे भारत माता की जय का हो, चाहे जय श्री राम। न्यूज 18 पर एक डिबेट में अमीश देवगन और साजिद रशीदी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस डिबेट में एंकर भाजपा नेता द्वारा की टिप्पणी पर तंज कस रहे थे, जिसके बाद जब साजिद रशीदी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने एंकर को फटकार लगा दी। बात सुनिए जी, अमीश बोलिए बोलिए। देखिए दो बातें हैं इसमें, मैंने कहा है कि अगर ये मर्डर रंजिश में हुआ है तो भी बुरा है, और धार्मिक अनुवाद से हुआ है तो उससे भी बुरा है। गौरव भाटिया तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ये धमकारा बंद करिए, मुझ पे केस। नहीं नहीं, गलत बातें मत करो, कह रहा था हमें पकड़वा। अमीश गलत बातें मत करो, धार्मिक नफरत मत फैलाओ, अमीश चुप रहो बिल्कुल, क्यों चुप रहो, ये धर्म की नफरत फैलाना बंद करो, क्यों चुप रहो, ये दुकानें बंद करो, बंद करो, ये दुकानें खोली हुई है, दुकान आपने खोली हुई है और उस दुकान से सारा डाउन हो रहा है, दिक्कत क्या है आपकी? चुप रहो, को नहीं मानते संविधान को, नहीं मानते देश की मर्यादा को, नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, आरोपियों का नाम लेकर नहीं बोला, देश की मर्यादा नहीं मानते, बीजेपी ने करवाया क्या? कौन से देश? भारत के संविधान को मानो, भारत के संविधान, भारत के संविधान के दायरे में राम मंदिर बन रहा है। कौन सा जर्नलिज्म कर रहे हो आप? मेरा बयान गलत है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इंडिया टुडे पर ममता बनर्जी का इंटरव्यू हुआ, इस इंटरव्यू में एंकर ने ममता बनर्जी से कुछ सवाल किए, अपने जवाब में उन्होंने मीडिया की आलोचना करनी शुरू की और सच दिखाने को कहा। और जॉय सीराम को कहते हैं, हम तो जॉय सियाराम कहते हैं, जॉय सियाराम मीन सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है, कौन सच बोलता है। सुपर उत्तम का माफी कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कावा का माफी चूसते हैं, दिखता नहीं है क्या बोलता है क्या बोलता नहीं है। अच्छा आप ये बार बार कह रही हैं, मैं आपको भी और जो तमाम लोग आपको इस वक्त इंडिया टुडे पे आज तक पे देख रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहती हैं हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप ये मत सोचिए कि मीडिया डर रहा है, मीडिया नहीं डरा, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं और औरों को भी सुनाना चाहते हैं। देखिए मीडिया का डर तो है जरूर,
ए हमको छोड़ दीजिए, आप जिसको भी एक चाय वाला के भी पूछिए वो लोग बोलेंगे आपका हिम्मत है इसी के लिए आप किया है, लेकिन कल आपको भरोसा नहीं है कि कल का आपका उधर में इनकम टैक्स भेज देगा कि नहीं देगा, वो आपको तैयार रहना चाहिए। अगर भेज भी देगा तो लीगली फाइट कर लो, डरना नहीं है, जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लिखते हैं वो लड़ते हैं वो जीतते हैं। मीडिया की डिबेट्स में अगर हमेशा सवाल विपक्षी नेताओं से ही होते रहेंगे तो जवाब भी एंकर्स को ऐसे ही सुनने को मिलेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.